हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट टेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि एक बार तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 17 में दिया पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, किस पे दिखा रहा है कि एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इन द रेशियो 1:2 द पॉइंट इज, है ना। तो पॉइंट हमें बताना है कि क्या होगा। देखो कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास एक लाइन हो गया। अब इस लाइन के दो पॉइंट्स आपको गिवन है, एक दिया है 2, -3 और दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया है 5, 6। कितना दिया है? 5, 6। और इसको कोई एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस डिवाइड करता है। अब देखो, जब भी तुम एक्स एक्सिस देखो तो एक्स एक्सिस में एक्स का तो वैल्यू होता है, बट वाई का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो वहां पर वाई का वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, वाई का वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी तुम्हें दिया हुआ है। रेशियो उसको हम लोग ले लेते हैं m1:m2। क्या लेते हैं? m1:m2। कोई mn ले लेता है तो m:n भी। अब जैसे बस सॉल्व करते हो वैसे बेसिस पे आप ले लोगे, है ना। तो m1 m2 ये हमें दिया है 1:2, यानी कि पहला वैल्यू m1 होगा और दूसरा वैल्यू क्या होगा? m2 होगा। ठीक है आजर, ठीक है सर। अब चलो, हम लोग को पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे, तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि क्या होगा। यहां पर वाई का वैल्यू जीरो है। अगर तुम ऑप्शन चेक करो तो कुछ पार्ट ऐसे एलिमिनेट हो सकता है, जैसे ये पार्ट एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहां पर वाई का वैल्यू दिया हुआ था, यहां पर भी वाई का वैल्यू दिया हुआ है, ये पार्ट भी हमारा एलिमिनेट होगा। यानी कि या तो ए होगा या तो सी होगा, उसके लिए हमें एक्स निकालना होगा। और एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है m1 plus m2 अब देखो, इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है, ये पहला वैल्यू जो होता है वो होता है x1 y1, और जो दूसरा वैल्यू होता है वो होता है x2 y2। क्या होता है? x2 y2। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो x equals to m1 x2, m1 कितना है? 1 है, तो m1 पुट कर दिया। इनटू x2 कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है। प्लस m2 x1, m2 कितना है बताओ? m2 2 दिया हुआ है, और x1 कितना दिया है? x1 आपका 2 दिया हुआ है। डिवाइड बाय m1 plus m2, दैट इज 1 plus 2, है ना। तो ऊपर से कितना हो गया? 5 plus 4 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 9/3। इसको कैंसिल कर दोगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि यहां पर तुम अगर वैल्यू पुट कर दो, है ना, यहां पर तुम अगर वैल्यू पुट कर दो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 3 होगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो उस बेसिस पे अगर तुम चेक करो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कितना सिंपल सा ये हमारा क्वेश्चन यहां पर बन गया। तो इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर तुम्हें सेक्शन फार्मूला का मतलब कॉन्सेप्ट पता है, या यू समझो कि फार्मूला अगर तुम्हें याद है, तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। हालांकि ये 2 और 3 मार्क्स में जब क्वेश्चंस यहां से पूछता है तो थोड़ा सा हार्ड होता है, है ना, जब रेशियो तुमसे पूछ लिया जाएगा या वैसा भी। लेकिन अगर इस टाइप के सिंपल है तो एमसीक्यू टाइप में ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई होप कि तुम्हें ये पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट लिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।